ये देख रहे हो भाई, ये जेरी आ गया। जेरी देखो, इसे लग रहा है मैं टॉम हूँ अंदर। ए जेरी, आवाज आ रही तुझे? तो छोटा सा बच्चा है, इसे भी पता नहीं लग रहा कहाँ गया। मतलब मुझे तो जैसे दिख नहीं रहा था कहाँ गया है, फिर मैंने देखा कि यार ये तो इस इंजन के अंदर चला गया भाई, खराब वराब कर देगा यार। कैसे गाड़ी को जरा आगे पीछे करता हूँ, तभी भाग गए। देखो ये तो भाई चूहे ने बेटी कर दी। चूहे यार कहाँ चला गए, अंदर की ओर। भगवान, मैंने तो हॉर्न बजा दिया, मुझे लगता पापा भी आ जाएंगे ऊपर से। क्या हो गया, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? तो पापा को बताना पड़ेगा, आपा चूहे ने बीटी कर दी अपनी गाड़ी में। अपनी गाड़ी वहाँ पे स्टेफनी का टायर लगा रखा, जो मुझे एक्सप्रेस से नहीं आ रहा था, फट गया था टायर। बीटी ही बीटी। अब मुझे नहीं पता चूहा क्या करेगा गाड़ी के अंदर। क्या चलो ठीक है, इसको भगाऊं। हाँ गया गया गया, कहाँ से आया वहाँ चल जाए। मेरे को डाउट था कि यार कहीं गाड़ी में कुछ नुकसान कर दे, फिर पापा मुझे बोले कि तू भी लास्ट गाड़ी में बैठा था, तुम्हारी वजह से कुछ हुआ है। पापा को सुना पड़ेगा कि नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कतरे वो वायर। नहीं ठीक है चलो, अभी गल सुना गया अभी। हाँ मैं तुम लोग बताया था भाई मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, जानते हो प्रमोशन करते हो मिहिर गल चैनल पे ना, तो उसके लिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। प्रमोशन मतलब मैंने भी चालू तो नहीं किया, ओहो उल्टा पड़ा हुआ था यार। मैंने भी मतलब वीडियो बनाई तो नहीं है, बनाने वाला था मैं जस्ट, तभी यहाँ पे आ गया। एंड अपनी गाड़ी उधर खड़ी, तो मैं चलो पापा की गाड़ी में आज परफ्यूम लगाते हैं। तो पापा की गाड़ी में पहले से परफ्यूम था वो मैंने हटा दिया, यही वाला परफ्यूम रखे अपनी गाड़ी में है ना। चलो अपना प्रमोशन करते हैं, ऊपर चलते हैं, भूख भी लग रही है यार काफी। तो ये देखो यार अपना आज का नाश्ता, तुम देख सकते हो ये कल रात के भाई चावल मिल रहे हैं अपने, कल रात की सब्जी, कल रात वाली रोटी, दो फ्रेश रोटी बना के दे रही अम्मी। अरे माना ठीक है मोटा हूँ यार, मतलब क्या बासी खाना खिलाएगी, क्या चल रहा है जीवन में। रोटी अभी का है, दो घंटा पहले बनाई हूँ और ये अभी बना। चलो ठीक है रोटी अभी का है, बाकी सब पुराना है। हैं अभी का चीज खा लो, अभी का सब्जी है खाओ अभी का। मम्मी से पूछा मैंने कि यार क्या है खाने में बताओ, मैंने बोला कि यार ये सब है। मैंने बोला चल दे दे यार भूख लगी थी क्या कर सकते हैं, यदि मैगी वैगी बनाते कुछ मैक्रोनी आगे से ब्रेड कटलेट बना के रखा कर, ब्रेड रोल वगैरह। बेटा जिस दिन के बाद घर पे आया ये नहीं कुछ। अरे सुनो मेरी बात, खाली मैगी मैक्रोनी ये कोई खाना होता है, रोटी सब बना बना, रोटी बना चल चल, रोटी तो बना तो नहीं। और ये चना, चना क्यों बना रखा मम्मी अपने लिए? मुंह भी चल रहा है मेरा और हाथ भी चल रहा है। मुँह तो तेरा चलता रहता है 24 घंटे। चना किसने बना रखा है? हम खाए, चुप रहना, हम खाए खाली बाहर का मैगी चाउमीन। अरे रहने दे रहने दे, अरे घर का रोटी सब्जी खाओ समझा। आज हमने चना इसलिए खा लिया बाहर का क्योंकि यार आज दीदी का व्रत है, और वैसे दीदी के तो व्रत नहीं होता, तो दीदी को तुम जानते हो दीदी बनाते हैं नाश्ता, वो जो पोहा सा होता है मम्मी को आराम से मिल जाता है। पर अच्छा है मम्मी ने थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा आज घर का पोछा साफ सफाई भी करी अम्मी, थोड़ा एकदम आज फील आया ना अम्मी पुराने जमाने वाला, कि पहले खुद से सब कुछ करना पड़ता था, अब तो मम्मी पैसा ले हो गई है कि घर पे नौकर चाकर रख लिया है। हमारा बच्चा सब कमाता है तो हम अपना ऐसे ही करेंगे। और ये देखो मेरा पग पग मा बॉय कैसे बैठा हुआ है आराम से, नॉडी दूर रह। तो ये देखो बॉल लेके आ गया, इसे तो 24 घंटे खेलना ही होता है यार। पापा की गाड़ी में कैसे चूहा कूद रहा था आज? चूहा? हाँ हाँ आ, बाहर था भगा दिया उसे मैंने। कहाँ पर बाहर था? शीशे की ओर बाहर की तरफ। अरे तो अंदर कैसे घुसेगा, अंदर तो सब जगह बंद होता है। अंदर घुस सकता है अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तू यहाँ रख लेगा, नहीं रखेंगे तेरे चक्कर में रखे हुए हैं कि तू। मतलब वो चूहा मेरी गाड़ी में रहता था क्या? सही वाली बात सोचती है कि मेरी गाड़ी में रहता, वो अपना घर ढूंढ रहा होगा कि यार ये तो वाला गाड़ी नहीं लग रहा। और भाई शैंकी भाई का वेट कर रहे हैं, शैंकी भाई को फोन किया बनने की भाई आ जाओ शैंकी घूमने फिरने चलते हैं। बस भाई को आन दो एक बार, फिर यार देखो सबसे पहला टास्क अपना ये रहेगा आज का कि भाई जरा अपनी गाड़ी के लिए टायर जरा नया लेते हैं, है ना। स्टेफनी पे लगी, तुम जानते हो मुंबई एक्सप्रेस ने भाई गलत से खरीदा अपनी गाड़ी के साथ। शैंकी को आन दो, फिर जरा रामफल साइड ही जाऊंगा द्वारका में, एक टायर खरीदते हैं, फिर गाड़ी की सर्विसिंग भी साथ साथ करा लेंगे। सर्विसिंग में समझ लो ना उनको धुलवाना और ड्रैकिंग वगैरह करना, पर सबसे मेन है कि टायर ज़्यादा लेते हैं अपना। अभी यार रामपुर में ना एक जगह पता किया मैंने, MRF टायर की दुकान थी भाई, वहाँ पे तो मुझे यार अराउंड 9,000 रुपये बता रहा है। मेरे टायर की प्रोफाइलिंग मतलब बेसिकली 17 इंची है, बाकी वो 225 या 215 वो तो देखो बता दूंगा तो आराम से, पर 9,000 सोच रहे हो? मतलब मैं तो 4 से 5 हज़ार सोच के बैठा हुआ था कि चल ठीक है इतना तो वो होगा तो करवा लेंगे। मुझे लगता है इसलिए बंदे फिर चाइनीज या फिर गुड्डी वाले टायरों में जाते हैं ना, कि कभी कभार भी क्या मोस्ट अगर तुम्हें अच्छा टायर लगवा ना तो इतना प्राइस ही पड़ता है यार, और ये ओवर प्राइस है यार। आओ आगे ना, ये देखो ये MRF टायर्स का, यहाँ जहाँ मैंने पूछा था ठीक है। अब देखो अब इनका भी क्या ही है, मतलब तुम जानते हो टायर के रेट पीछे से होंगे वही है बोलेंगे, है ना, ज़्यादा क्या ही करना। आगे ना एक यहाँ पे ब्रिजस्टोन का था,
हाँ एक बार इनसे पूछते हैं, 17 इंची में चाहिए टायर मेरे को, प्रोफाइल देख लो कितनी है। हाँ अच्छा, और ब्रिजस्टोन का नहीं है, ब्रिजस्टोन का 10,000 रुपये का। ये अपना पिछला टायर है ठीक है। अब सोच तो मैं कह रहा हूँ कि यार जेके का ही लगाऊंगा क्योंकि सही रेट बढ़ रहा है, पर भाई आपके हिसाब से क्या हुआ होगा यार ये मुंबई? अच्छा पहले बता दो, मुंबई एक्सप्रेस वे की बात है, जब फटाई ये कहीं आपका पंचर हुआ है? हाँ। और वहाँ उसके बाद ही चला है टायर पंचर होने के बाद? पंचर होने का चलाया, फिर मैंने पंचर ठीक भी कराया है, उसके बाद जाके फटा है। वो लीकेज हो रही होगी अभी ना दोबारा वहीं से, हो सकता है टायर आपका चल गया ऑलरेडी, ड्राइव हो चुका है जितना होना था। हाँ। उसके बाद ही दिक्कत आनी चालू। अब मैं भाई यही बात कर रहे थे कि यार टायर MRF का 9,000 का है, जेके का 6,000 का है, कॉन्टिनेंटल का 12,000 का है, टायर में मतलब फर्क क्या होता है? ये टायर जेके का बढ़िया है कि मेरा डाउट ये था, तो भाई ने जो जवाब दिया तुम भी सुनो। हाँ भाई बताओ, फिर सो जाए ऐसा थोड़ी नॉइस कम आएगी, आप अच्छा टायर लोगे तो आगे पकड़ ज्यादा अच्छी हो जाएगी, रोड की ग्रिपिंग ब्रेकिंग हो गई, ये सारी अच्छी चीज अच्छी हो जाती है। बाकी टायर कोई बेकार नहीं होता? बेकार कोई नहीं, सारी ब्रांड अच्छी टायर, ऐसा ही आ रहा है अप्रूव्ड आ रहा है, कुछ बढ़िया होता है टायर। अच्छा। कोई बेकार नहीं है। तो जेके के टायर की कुछ खास बात क्या है मतलब, या फिर क्या इसमें ध्यान देना पड़ता है जेके के टायरों में? ध्यान तो टायर बढ़िया, आपका टायर वही प्रॉपर चला, क्रेटा में लगा हुआ आ रहा है अच्छे टाइम में। अच्छा, बाकी आपको प्रीमियम रेंज चाहिए और कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा आपको लगवाना हो? कॉन्टिनेंटल तो बहुत सुनता हूं मैं, प्रीमियम स्पोर्ट्स कार के अंदर वो लगा हुआ आता है। अच्छा, सीएट का कितने का है? सीएट तो नहीं हुआ है, सीएट नहीं होगा, सीएट नीचे आ जाता है, गुड़ियर मिल जाएगा आपको 9,000 रुपए डायर गुड़ियर का भी। अच्छा पर ठीक है, जेके से काम चल जाएगा ना? अच्छा, कुछ वारंटी गारंटी है? 5 ईयर वारंटी आती है कंपनी की, कंपनी की कंपनी वारंटी 5 ईयर भाई, कुछ होता नहीं है। हाँ, टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है, इंडियन ब्रांड, अच्छा टायर है। चलो ठीक है, चलो यार ये देखो, ये लग गया अपना जेके टायर ठीक है। और मैंने अभी अपने दोस्त पंजाबी से बात कर रहा था तो इसलिए तुम्हें कुछ दिखा नहीं पाया ठीक है। उसकी भी बहुत कंप्लेंट्स थी यार, बहुत टाइम से तू ना मिल रहा है ना बात कर रहा है, क्या सीन है ये है। तो भाई को थोड़ा मनाया, कोई नहीं जल्दी मिलते हैं, लेकिन मैं प्रोफाइलिंग बढ़ लूँ यार अपने साइड से, थोड़ी संतुष्टि कर लूँ ना। प्रोफाइलिंग कहाँ लिखी है? ये रही 215/55 ठीक है। ज़रा देखते हैं उस तरफ भी सेम है कि नहीं, कितनी है कहाँ है, ये रहा 215/60 क्यों लगाया भाई? 215/60 क्यों लगाया? इसमें 60 ही आता है, 55 में ब्रिजस्टोन मिलेगा। तो यार बताए गाड़ी हाइट बढ़ जाएगी तो दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, फॉर श्योर। अच्छा चलो ठीक है। हाँ छोटी सी बात है, आपकी जो हाइट टायर की यहाँ से कम रहेगी तो फिर स्ट्रेस भी ज्यादा पड़ता है। अच्छा, साइड वॉल के ऊपर हाइट ज्यादा रहेगी, स्ट्रेस कम पड़ेगा, पर चारों तरफ से 55 है, 1/60 है, इसलिए पीछे लगाया। इसमें पहले भी डाले वो इशू वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, और साथ में बता देता हूँ जो नलकी होती है इसकी, नलकी लगाई होती है सेंसर वाली ठीक है। तीन ऑप्शन थे, 150, 250 और ये सेंसर नलकी है तो इसमें 500 रुपये का था ठीक है। तो टोटल अपना बिल बैठा है 6,300 की बात हुई थी टायर की, साथ में 500 रुपये सेंसर के। भाई वो तो ये समझ लो मेरी और शैंकी भाई की एक तरीके से ये एक क्या बोले शैंकी इस चीज़ को, क्या नाम दे मतलब, मैं तो फ्रेंकली बताऊँ तो भाई ये हो रहा है कि यार बहुत डिप्रेसिंग सा लग रहा है। मैं दिल्ली आ गया ना, दिल्ली आके वही शैंकी भाई का काम नहीं चल रहा अच्छे से, उसकी टेंशन हो रही है, अपना भी यार तुम लोग कुछ मुझे लगता है 2.0 चैनल पर सपोर्ट कर रहे हो नहीं, क्यों नहीं कर रहे, वाह क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, हम वीडियोस तो बना रहे हैं। गाइस देखो मैं ये भी जानता हूँ कि जो डेली व्लॉगिंग वाला मैटर होता है ना, इसमें क्या है मतलब बेसिकली लाइफस्टाइल व्लॉग्स, इसमें क्या होता है कि यार चीज़ें इतनी जल्दी बूस्ट नहीं लेती ठीक है समय के हिसाब से, पर जब आता है बूस्ट तो वो बहुत खतरनाक ही होता है। बस मैं उस एक बूस्ट का, बूस्ट समझ रहे हो ना, मतलब ये नहीं कि कहीं बोलो कि भाई बूस्ट नहीं तो वॉर्मिटा ले लो ये वाली बात नहीं है, बैड जोक गाइस। पर आएगा जल्दी हमारा भी यार मैटर थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, अभी तो क्या है मैं अपने भाई से बात कर रहा था ना पंजाबी से, तो बताया मैंने मीरगल चैनल चल रहा है उस सारे अपना थोड़ा ठीक है, वरना यार ब्लॉगिंग चैनल पे थोड़ा सा अपने को मेहनत तो कर ही रहे हैं यार डेली डेली तुम्हारे लिए, अब वो ये वीडियोस बना रहे हैं तो दिनचर्या की, पर लाना है यार मतलब मैटर ऊपर लाना है। पता है मुझे क्या लगता है शांकी, ये चीज़ क्या कर पाए, ये चीज़ कौन कर पाएगा, ये चीज़ मेरी ओमनी कर पाएगी भाई। अपने को प्रोमन वाले भाई का कॉल आ गया है, वो कह रहे हैं भाई आज कल परसों में आप कभी भी अपनी ओमनी की लिफ्ट किट ले जा सकते हो, बन गई है लिफ्ट किट बन जाएगी, उसके बाद फिर शौकीन भाई का काम होगा, फिर अपना ओमनी का हम धीरे धीरे मैटर थोड़ा सा गेयरअप करेंगे, और मुझे लगता है ओमनी ही अपने चैनल पे बूस्ट ला पाएगी जो कि मिसिंग हो रहा है ठीक है। जब ओमनी अपन लेके आए थे, ओमनी गाने का याद है, जब इतने सारे मार्केट गए थे तो कितना बूस्ट आया था, कितना बूस्ट मतलब कितना एक पुश आया था चैनल पे, वही दोबारा लाना यार। थोड़ा डिप्रेसिंग सा तो लग रहा है क्योंकि जब हम बाहर थे, हम ये बात कर रहे थे बाहर, तो बाहर अपना ये था कि यार अरे टेंशन हो रही है किस चीज़ की, खाना क्या खाएंगे 3 बजे ओहो रात में होटल क्या लेंगे, इस चीज़ की टेंशन। दिल्ली से तो पूरा दूरी है ना, पर वही है यार कोई नहीं, तुम लोग ज़्यादा से सपोर्ट करो यार, मैं ये बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना तुम लोगों को ठीक है, बोलने वाली बात नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही मार दो, और टाइम निकाल के भाई के चैनल को देखो, साथ साथ शैंकी भाई जो कुछ
हम जितनी हेल्प कर सकते उतनी बता दे भाई, कुछ और कपड़े वपड़े भगवान में अपनी ऑडियंस है खरीदने के लिए कुछ करना है भाई। शैंकी भाई की आईडी है शैंकी जेडी, तुम लोग जानते हो, नहीं तो आउटफिट स्ट्रीट, तुम मेरी इंस्टाग्राम आईडी जाके ढूंढ सकते हो शैंकी की आईडी जाके, यार तुम अपने ऑर्डर वगैरह दे सकते हो, या तो साथ साथ भाई नंबर देना तेरा जिसमें ऑर्डर करें ये लोग, नंबर लिखा हुआ है उसमें, नंबर है। चलो भाई ठीक है, तुम लोगों को तो एक मिशन मिल गया, जाओ जाके परेशान करो शैंकी भाई को। बस यहाँ से यार अपन पहुँचने वाले हैं ऐसे एक मिनट के अंदर, लेकिन मैं तुम लोगों से पूछ जाऊँगा यार शैंकी, आजकल वो बंदे वो लाइव नहीं आते यूट्यूब पे, और अगर जैसे होता ना कि ऑडियंस से बातचीत वगैरह करते हैं, ऑडियंस सुपर चैट भेजती है, कुछ डेयर वगैरह करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, तब ऑडियंस ऑल्सो पे देम, है ना, वो चीज़ सही है क्या करने के लिए? कितने धंधे चेंज करोगे? कुछ तो ढंग से चला लो। उसकी वीडियो देख तो रहे थे ना हम, शायद कहाँ पे देखे थे, वहीं पे देखे वो थे। अर्पित बाला था जिसकी मैं लगाई थी, हाँ। जयपुर जा रहे थे, मैं उसी की वीडियो देख रहा, जानता था उसे? नहीं जानता तो नहीं, उस दिन देख रहे थे हम जब तू चला रहे थे यहाँ पे, हाँ वो जब अर्पित बाला की मैं लाइव चलाई थी, चलो वो तो अर्पित बाला तो कुछ अलग तरीके से ही करता है, पर कर सकते हैं कुछ ऐसा, हाँ अर्पित बाला की तरह नहीं, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है यार। पर तुम बताओ यार, अब देखो धंधा तो चलाना है ही, व्लॉगिंग का हो, कार रिव्यूज का हो, चाहे जैसा भी हो, तुम लोगों को सपोर्ट करना है, पर भाइयों को या तो मुझे बता दो साथ साथ की कोई बिजनेस वगैरह भी डाले, हाँ थोड़ा डिप्रेसिंग मूड है ना आज, इसलिए तुमसे ऐसी बात कर रहे हैं, वरना तो अपन डेली कैसी बात करते हैं, फुल गलत है गाइस, क्या हालचाल है, गलत सीन। अभी यहाँ हमारे अंकल जी है, इनसे मैंने चेक कराया कि देखो मुझे ना गुड्डी के टायर का मतलब ऐसा पता नहीं है कैसे चेक होता है, अंकल ने चेक किया, बोल रहे कि नहीं बढ़िया है गुड्डी गड़ा तो नहीं है, मैं सोचा चलो ठीक है फिर तो गुड्डी गड़ा नहीं होनी चाहिए यार, वही तो 6,000 रुपये का लगाया है, कोई दिक्कत ना भाई जी, ओके ओके है बस ठीक है। अभी हम वैक्यूम करवा रहे हैं, वैक्यूम के बाद फिर सीधा वॉशिंग होगी, ठीक है, ड्राई क्लीन नहीं करवा रहा मैं ऐसे ही, बस पट रहे तो बैठ सही है, छोटा वाला बैठ है एकदम, क्रिकेट बहुत खेल ली यार बहुत, क्रिकेट का और खो खो का कबड्डी का, हाँ अच्छा हाँ खेलोगे क्रिकेट बताओ, बॉल है बस, बहुत खेल लिया यार, अभी खेलोगे, अब तो काम घंटे का टाइम है यार। अच्छा और ये कैसे सुट्टा मार रहा है, ये सुट्टा ऐसे ही लगाता है, अरे काम के लगती नाक में से धुआं काटता, जैसे बारह बारह रेल जाती ना आता तो धुआं छोड़ता जाता, क्या सुन रहा है, और तुम अंदर ये गाड़ी देख रहे हो बेहतरीन लग रही है भाई, मुझे रैप क्यों लग रहा है देखने में, मैट या सैटिन रैप लग रहा है ना यार, रैप तो नहीं है लेकिन सही आ रहा है लुक, तुम देखो अलॉयज भी काफ़ी सही हो, लेंस हो गए हैं और ओरिजिनल ही होंगे यार, इतना लग रहा है ना देख के, लेंस हो गए अलॉय, मैक्सिस के टायर बढ़िया एकदम, और बुमराह का लोगो भी लगा हुआ, तो बुमराह से काम किया करवाया ऑफ रोडिंग का ना, बस अभी इसको शैम्पू होगा फिर पॉलिशिंग फिर निकलेंगे हम, ठीक है, नहीं पर मैं उस रोल में फेमस हूँगा, किस रोल में फेमस हूँ तो बताओ भाई, एक लड़की होनी चाहिए, अच्छा उसमें मैं रहूँगा विलन, अच्छा उसमें मैं रहूँगा हीरो, तुम रहोगे हीरो और तुम लड़की लेके भाग जाओगे, नहीं लड़की के साथ मैं उसे जबरदस्ती करूँगा, अच्छा विलन करता है, अच्छा हाँ जब उसका एक बार सब कुछ हो जाएगा, सारी सारी तमन्ना पूरी कर लेगा, ये वीडियो में ही देख रहे हो लड़की लेके भागने का प्लान है भाई का, वीडियो में अगर हम भाई को रोल देंगे तो भाई ये क्या है, देख लो अपना झूठा फुल तैयार हो गया है नहा धो के, अब इसकी पॉलिशिंग होगी, ठीक है बेहतरीन, मौसम में देख लो क्या चेंज हो गया यार, एंड मैंने भी जस्ट प्रोमैन वाले भाई से बात करी है, उन्होंने कहा है कि यार आप संडे तक आ जाओ, ठीक है अब देखो ये तो मैं वीडियो आ रहा हूँ, अब थोड़ा सा तुम जानते हो अपना सीरीज चल रही है साथ साथ तो थोड़ा आगे पीछे होगा, पर हाँ जो भी है सून 2-3 दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर अपन जाएंगे प्रोमन भाई के पास, लिफ्ट किट अपनी पूरी आज के घंटे की बात करूँ, उन्होंने बताया कि आज CNC में चल रहा है बोल्ट ऑन मंगाना होगा, मतलब ये मान लो लिफ्ट किट उठाएंगे शौकीन भाई भी जाएंगे तुरंत फिट कर देंगे, बट ठीक है नॉर्मल फिट करने में दिक्कत नहीं होगी, मिस्त्री जिसने खोला था वही अगर फिट कर दे तो सही रहेगा ना, ऐसा मतलब कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है फिर ये मान लो तुम, अब हम गियर अप करने वाले मामला, ठीक है अब थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी, हाँ ओमनी का लिफ्ट किट फिर बॉडी किट फिर दिस गोज ऑन अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं अभी मिस्टी डोई खाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे मेरे जो कुत्ते हैं वो खाने नहीं दे रहे, ठीक है इनको पता है, ओ, 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 देखो देख रहे हो
कैसे अटैक हो गया मुझ पे गाइस, मेरी हेल्प करो। तुम गालो मिश्रोई, लो खत्म करो, नाइन की ना मेरी तुम्हारी, लो देख मेरे हाथ के ऊपर से चाट रहा है, देख गई गई अब गई, अब बता क्या करेगी। नाड़े नाओ दे दे देख, नाड़े देख ले, ये ले ये ले ले बेटा ले 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 ए क्या मां सुसु करता नहीं रुकता वो, देख उसको देख लगी तो नहीं उसको, अरे मेरा इसको चिंता करो मैं फोड़ फाड़ कर देख, इसमें करेक्ट करेगी इसमें बर्तन रखेगी इसके नीचे, ले 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 बेटा इसमें कर ले, यही चाह रही थी ना तू मिस्त्री के चक्कर में, देख उसको देख कैसे पेल दिया पीछे चला गया। हाय पग्गू, हाँ लगी तो नहीं तेरे को, बच गया, लगी नहीं इसको, खून तो नहीं निकला तेरे को, तो अच्छा है बर्तन ले आई, देख रही है अभी तक सुसु कर रहा है, देख सुसु को सैंपल देना है कि हॉस्पिटल में बर्तन में क्यों कर रहा है, मैं क्या करूँ यार, मैं तो दोबारा मिश्र दे दे, जब भी लड़ाई हो ना किसी से दे दिया कर, अच्छे से बताऊं, मिश्री के लिए दोनों लड़ रहे थे ठीक है, फिर मम्मी को मैंने दिया डब्बा, बस वो ही दे गलती कर दी, मम्मी को डब्बा दिया, नौड़ी उछला मम्मी को, भाई अक्सर ऐसे ही होता है जब भी नौड़ी उछलता है ना मम्मी से कुछ डब्बा लेने के लिए या कुछ भी सामान लेने के लिए मम्मी से लेना है तो उछलता है वो, पग्गू को लगता है कि यार ये मम्मी पर अटैक कर रहा है, और तुम जानते हो पग्गू भाई अपना बॉडीगार्ड मम्मी का, तो वो लड़ने आया और वही वो लड़ने आया, खाना भी था उसे, फिर नौड़ी ने अटैक कर दिया, एंड अभी मैंने ऊपर देखा, अभी हमने उसकी थोड़ी सी सब लोगों से साफ सफाई करी, एक हफ्ते दवाई भी थी अपने पास वो भी लगाई है, थोड़ा नाक के तरफ ना उसका यहाँ पे छिल गया है थोड़ा सा, दांत कट गया था वो वाली चीज़, और भाई मैं बता रहा हूँ खुशकिस्मती है उस बेचारे कुत्ते की भी, यार आँख के ना जस्ट यहाँ पे लेनी नहीं होती, इधर भी हल्का सा दांत कड़ा हुआ था भाई, तुम देख रहे हो मतलब इतना आधा, और ऐसा नहीं कि नौड़ी करता रहता है ये, नौड़ी बहुत टाइम से शांत था, उसने बहुत टाइम से कभी उसने बहुत टाइम से ऐसे अटैक भी नहीं किया था, पर वही आज किया तो पूरा अच्छे से ही कसर पूरी कर लिया उसने, गलत बात है वैसे ना ये। अब देखो इसमें ये भी चीज़ है, मैं देखता हूँ कि यार हाँ अक्सर पग्गू भी अटैक करता रहता है नौड़ी पे, और अटैक बहुत छोटा मोटा होता है, जैसे नौड़ी ने अटैक, नौड़ी ने एक तरीके से मम्मी के ऊपर जंप किया, तो पग्गू ऐसे ही उस पर लगने ही गया था, ऐसे होता है ना डांटने वाटने या फिर जो भी अपने तरीके से वो लोग करते हैं, पर इस बार नौड़ी फुलकुल उसको एक दो दिन से ना थोड़ा सा है चल रहा है, उसका मत्था पिनक चल रहा है, एक बार मैंने भी उसको थोड़ा सा गलती से बोतल से धप कर दिया था नौड़ी को, तो मुझ पर अटैक करने आ गया था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया था, वही यार बड़े कुत्तों का थोड़ा सा होता ही ऐसा, ऊपर सब लोग ये बात कर रहे थे कि तो कहीं दे आओ बेकार कुत्ता ये, बाहर भी मतलब जो घुमा ले आते तब भी ये ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा करता है, सब पे भौंकता है, कुत्ता है, हरकत थोड़ी ख़राब है इसकी नो डाउट, लेकिन वही है सुनाना पड़ता है कि यार चल कोई नहीं, पर क्या कर सकते हैं यार, अब जब है अपना है तो रखना तो पड़ेगा ही, अब ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि यार खरीद के दे आना, अब तुम लोग अगर बोलो कि यार भाई आपको ट्रेन करना चाहिए, यार ठीक ठाक ट्रेंड है ही है, मतलब अगर बताऊँ ना काटता नहीं है इतनी जल्दी, पर हो जाता है दो कुत्तों में कहीं का, यार ये भी बात माननी पड़ेगी, हमें भी मतलब बहुत टाइम से घर वालों पर ऐसा अटैक नहीं किया, पर वही है मैं वेट तो नहीं करता ना घर पर अटैक करने का, तो मुझे थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा, अब जैसे बोलते हैं ना अपने आदेशों के साथ मनवा के, पर मूड ख़राब हुआ मेरा भी यार, वो चलो ऊपर हम हंस रहे थे जैसे हमने वीडियो ऑफ करी, उसके बाद जाकर काफ़ी सीरियस माहौल हो गया था। चलो इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ यार, ज़्यादा मतलब इसका दिखाने का कोई ऐसा सीन नहीं है ठीक है, मतलब आज का दिन चलो यहीं पे एंड करते हैं, और ज़रा नौड़ी को मैं अपने तरीके से देखता हूँ कैसे कैसे क्या करना है ना, ऑफकोर्स कर भी कह सकते हैं पर थोड़ा समझाएँगे उसे भी, थोड़ा हड़काएँगे उसे, मारेंगे नहीं पर हाँ कम से कम आवाज़ से बोलते ना ओए नौड़ी कुछ तो करना पड़ेगा यार, मतलब मजाक वाली बात नहीं। हाँ तो अच्छा है शुक्र बना रहा हूँ भाई, पग्गू की किस्मत ही बच गया वो, लेकिन चलो कोई नहीं, कल मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू एडवेंट जैंग को भाई डबल लव जू है ठीक है, और तुमसे मिलते हैं 8 से 10 के बीच में, कल व्लॉग आएगा तब है ना, मैं मास्टर बेटर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।